नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल में जिसका नाम है आर्थर की। गाइस, आज हम माइनक्राफ्ट में एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाने वाले। हमने एक गार्डन की सीरीज की थी एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम उस गार्डन का जो टूर है वो दे देंगे। सो शुरू करते आज की वीडियो। सो फर्स्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज। उसके बाद हमने जो बॉर्डर बनाई थी उसे स्टोन ब्रिक वाला जो ब्लॉक है उससे भर देंगे। गाइस जस्ट फॉलो द आउटलाइन। आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद जो बचा कुचा पार्ट है वो भी स्टोन ब्लॉक से हम भर देंगे। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है हमें डार्क ओक फेंस लेना है और जो कॉर्नर वाले ब्लॉक्स है उन सभी के ऊपर वो फेंस लगा देना है जिससे कि हमें वो आउटलाइन मिले। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है हम स्टोन की जो स्टेयर्स है वो लगा देंगे। हमें चार फेंस एक के ऊपर एक लगानी होगी जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। आप सेम पाथ फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज जैसा आपको लगे उसी फेंस के ऊपर आप वो चार फेंस लगा सकते हो। उसी तरह से दूसरे साइड पे भी जो फेंस है वो प्लेस करनी है। जैसे हमने स्टोन से डिज़ाइन बनाया था वैसे कैंप फायर लेके अब हमें वही डिज़ाइन ऊपर फॉलो करना है। एंड लिटरली गाइज दिस इज अ मेन टास्क ऑफ दिस वीडियो। मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको समझ में आ ही जाएगा जब आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए लोगे। ये कैंप फायर की फायर बुझाने के लिए हमें शॉवल का यूज करना पड़ेगा। जस्ट टेक शॉवल एंड क्लिक ऑन कैंप फायर।
अब हमें ओक लीव्स लेके थोड़ा डेकोरेटिव काम करना होगा। इसके लिए आपको जहाँ मन करे वहाँ उन्हें प्लेस करते हैं। आफ्टर दैट बाई यूजिंग चेन एंड लैंटर्न हम लोग इस जगह पे उजाला कर देंगे। और एक लास्ट टिप रह गया था, हमें बोन मिल की मदद से ग्रास उगानी होगी जिससे कि ये एरिया और भी खूबसूरत लगे। फाइनली गाइस हमारा आज का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।